सो यमा ने जो है अपनी R3 एंड MT-03 को जो है इंडियन मार्केट में फिर से लॉन्च किया है, जिसमें कुछ आपको नए बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या कुछ बदलाव मिलेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MT-03 एंड R3 जो आती है इसमें इसके कलरिंग में चेंजेस किए हैं। जो MT-03 आती है उसमें आपको दो कलर मिलेंगे एंड जो R3 आती है उसमें भी आपको दो नए कलर देखने को मिलेंगे। पहले आपको R3 में जो है दो कलर मिलते हैं, इसमें आइकॉन ब्लू एंड ब्लैक मिलता है, और जो कि MT-03 आती है उसमें आपको मिडनाइट ब्लैक एंड मिडनाइट कलर देखने को मिलता है। तो इन दोनों बाइक्स की प्राइसिंग के बारे में अगर देखा जाए तो MT-03 जो आती है वो 4,59,900 एक शोरूम आती है, वही जो R3 आती है उसकी प्राइस 4,64,900 एक शोरूम आती है। R3 में आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है वो LED में मिलता है, इंडिकेटर भी आपको जो है LED में दिए गए हैं। बाकी इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स, स्कल्पटेड फ्यूल टैंक मिलता है, प्लेट सीट का डिज़ाइन मिलता है एंड अपस्वीट का एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है। वही MT-03 जो आती है उसमें फुल्ली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, कूलेंट टेम्परेचर, रियल टाइम एवरेज मिलता है एंड इसमें आपको ट्रिप पिलर, ट्रिप टू, क्लॉक सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी इन दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो R3 एंड MT-03 में आपको लगभग जो है सेम इंजन देखने को मिलता है, जो कि 321 cc का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता है, जो कि DOS सेटअप के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसमें पावर जो है 14 BHP की देखने को मिलती है, जो कि 29.5 Nm का इसमें टॉर्क जनरेट करता है, जो 6-speed गियर बॉक्स के साथ आती है। इन दोनों की वेट की अगर बात की जाए तो R3 का वेट जो है 169 kg का मिलता है, वही MT-03 जो है 1 kg आपको इसकी लाइटर देखने को मिलेगी, यानी कि 168 kg का इसमें वेट मिलता है। इसमें सस्पेंशन जो है फ्रंट में आपको USD फोर्क मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा। तो लगभग इसकी प्राइसिंग में एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन है सेम आपको देखने को मिलते हैं। तो लॉन्च हुए, आपको अगर लेनी है तो आप ज़रूर इसको ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी बाइक और कार के अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें।